नमस्कार, जोहार सभी साथियों को। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आप तैयारी करें, आराम आराम से करिए, समय आपके पास पर्याप्त है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी लोग चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। ठीक है, कोशिश करूँगा कि कुछ फ़ायदा आपको इस चैनल से भी हो एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड। झारखंड का शॉर्ट ट्रिक्स में लगातार प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और सही समय पे उन वीडियोस को अपलोड भी किया जाएगा। अभी 1857 की क्रांति से संबंधित शॉर्ट ट्रिक्स बनाया है। झारखंड में जितने भी रिवोल्ट हुए हैं उनका डेट्स और बाकी सब चीज़ों पे हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक्स बनाया हुआ है। झारखंड की जनजातियों पर भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। इन शॉर्ट ट्रिक्स को अगर आप एग्ज़ामिनेशन से एक दो दिन पहले भी देख लेंगे और क्वेश्चन अगर वहाँ से आता है तो बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट करके आएंगे। जब सही समय आएगा मैं सारे वीडियोस को अपलोड करूंगा। अभी आपके पास काफ़ी समय है, ठीक है। मैथमेटिक्स से साइंस से बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, उन सबको भी समय देना है। लैंग्वेज पेपर भी आपके लिए है, ठीक है। तो सब चीज़ों का बैलेंस बना करके चलिएगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आगे आने वाला टाइम पूरे तरीके से चुनावी माहौल है, ठीक है, और चुनाव के बीच में बहुत तरह की बातें होंगी। पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन और नए नए जो नेता लोग खड़े हो रहे हैं बहुत तरह की बातें करेंगे। उससे छात्रों का दूर दूर तक कोई लेन देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग उन सब से एब्सटेन करिएगा और एग्ज़ामिनेशन को लेकर के जो भी डेट्स वगैरह दिया गया है, कुछ आगे पीछे हो सकता है लेकिन एग्ज़ामिनेशन होगा इस साल, ठीक है। CDPO का आज फॉर्म भरा जाना था लेकिन किसी कारणवश वही झारखंड की पुरानी आदत, झारखंड की नहीं आप आयोग की बोल लें, यहाँ कर्मचारी चयन आयोग हो चाहे आपका JPSC हो, सबका एक ही रवैया है, इनसे कोई काम एक बार में होता ही नहीं है, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम बोल करके पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है, लेकिन CDPO भी आनी ही है और साथ ही साथ JPSC सिविल सर्विसेज की भी वैकेंसी इस साल होगी। हेमंत सोरेन जी चुनाव में जाने से पहले एक और JPSC कंडक्ट कराएंगे और ये बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है। बाकी अगर आप में कैपेसिटी है तो आप बैलेंस बना के चलिएगा, वो आपके ऊपर है, ठीक है, लेकिन CGL आपका कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और CGL का जो सिलेबस है झारखंड का आप सबको पता है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, वो सारी चीज़ें आप अपने स्तर पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, बहुत सारे छात्र, बहुत सारे दोस्त ये भी बोल रहे थे कि आप जो भी वीडियोस में बात बोलते हैं आप, बहुत लोग सपोर्ट करते हैं कि सही बोलते हैं। देखिए, मैं अपने मन की बात तो बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं किसी चैनल की अगर तारीफ़ कर रहा हूँ या किसी चैनल की या किसी के कोर्स की बुराई कर रहा हूँ तो वो मेरी पर्सनल राय नहीं रहती है। बहुत सारे छात्र फ़ोन करते हैं, बहुत सारे दोस्त फ़ोन करते हैं, वो लोग मुझे फीडबैक देते हैं और मैं उन चीज़ों को आपके लिए शेयर करता हूँ, ठीक है, वो मेरी पर्सनल राय नहीं रहती है। आप लोग जो बताते हैं उन्हीं को मैं शेयर कर देता हूँ ताकि बाकी लोग उससे सीखें और वो गलती ना करें। ये PDF वाली बात जो मैंने कल बताई थी, बहुत सारे लोगों ने बोला कमेंट में कि ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जितने भी संस्थान हैं, सारे नहीं, जो बहुत ज़्यादा अपना हाइप क्रिएट करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हैं, वैसे संस्थान क्या है, उनको चिंता इस बात की है कि उनका PDF कहीं शेयर ना हो जाए। उन्हें इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं है कि जितने भी मेरे बायर्स हैं, जितने मेरे कस्टमर हैं, उनको तो मुझे PDF देना है ताकि वो PDF से पढ़ सकें। बहुत सारे छात्र हैं कि PDF से ही पढ़ते हैं, उन्हें इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं है कि जिन्होंने उनका कोर्स परचेस किया है उनको दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है। उन्हें इस बात की चिंता है कि उनका कंटेंट कहीं वायरल ना हो जाए। और दूसरी तरफ वो लोग बोलेंगे कि हम सब परिवार हैं, हमारी YouTube फैमिली है, ये है वो है, तो इस तरह का दिखावा चलते रहता है झारखंड में, आप सबको पता है, ठीक है। प्रेशर बनाइए आप लोग, लगातार मैसेज करिए, जहाँ जहाँ भी आपने कोर्स परचेस किया, जो भी किया है उनको बोलिए कि अगर हम लोगों ने आपका कोर्स लिया है तो PDF देना आपका कर्तव्य है। और एग्ज़ामिनेशन से एक महीना पहले नहीं, हमें एग्ज़ामिनेशन से दो महीना पहले सारा चीज़ कम्प्लीट कराइए ताकि हम बाद में रिवाइज़ भी कर सकें। सिर्फ पैसे ले लेना ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम नहीं है, आप अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें, ठीक है। और इसके लिए प्रेशर आप लोग बनाइए, प्रेशर बनाएंगे डेफिनेटली उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सिर्फ बिजनेस करना ही कोचिंग संस्थानों का काम नहीं है, आपको झारखंड के छात्र हित के बारे में भी लगातार सोचना चाहिए। और कुछ चैनल्स हैं जैसे कि DSP की पाठशाला, बहुत ही उम्दा कार्य कर रही है, आप लोग उनके चैनल्स को फॉलो करें और कर भी रहेंगे आप में से मैक्सिमम लोग। जो भी वीडियोज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं क्वालिटी लेवल है, काफ़ी अच्छा कंटेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ऐसे चैनल्स को सपोर्ट किया जाना चाहिए झारखंड में जिनका इंटेंट क्लियर दिखता है कि ये छात्र हित चाह रहे हैं,
बाकी जो आप बोल, जैसा कि मैंने बोला ना, बाकी जो अपना सिर्फ हाइप क्रिएट करते हैं कि हम ही हैं सर्वे सर्वा, सिर्फ बिजनेस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सही और गलत के बीच में फ़र्क करना सीखिए। आप लोग सब ग्रेजुएट है, सब समझदार हैं, ठीक है। कौन यूज़ कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कहाँ अच्छी चीज़ें मिल रही है, इन सब चीज़ों में आप लोग थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। एक हमारा प्लेटफॉर्म है, अभी नया चैनल झारखंड में, अभी बहुत जल्द उनका भी 10,000 सब्सक्राइबर होने वाला है। वो चैनल भी ठीक ठाक लग रहा है मुझे, मुझे लग रहा है कि अगर सब्सक्राइबर उनके और बढ़ेंगे तो वो भी आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आगे प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। उस चैनल को भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म, ठीक है। अच्छा कंटेंट उनका भी रहता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक वाला बताया है बात, लगातार वीडियोस आपको दी जाएंगी सही समय पर, सारा चीज़ प्रिपेयर किया जा रहा है, उसके बाद अपलोड भी किया जाएगा। आप लोग चैनल के टच में ज़रूर रहें, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।